हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन, जिसको आप CGWR के नाम से जानते हैं। आज है 29 जून और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आपका जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर इसको पिन कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स है वहाँ पर। फिर बात करते हैं, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं बिना देरी किए हुए, सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 2021 का स्टायरिन जो ग्रैंड प्रिक्स रेस है वो बेसिकली हाल ही में किसके द्वारा जीती गई। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा बेसिकली ये रेस जो जीती गई है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं इसी रेस के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं वो मर्सिडीज के ड्राइवर ब्रिटेन के रहने वाले लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। और फिर बात करते हैं वाल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर है, थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। फिर बात करते हैं सर्जियो प्रेस के बारे में। सो इससे पहले जो 6 नंबर की रेस हुई थी अजरबैजान, वो जो है इनके द्वारा जीती गई थी। अभी तक जो है इस वर्ष की ये जो है स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स रेस जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर इसका आयोजन किया गया था, 8 नंबर की ये रेस है। इससे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट नंबर रेस की, जो कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स थी और ये जो है लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। फिर बात करते हैं इमालिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा जीती गई। फिर बात करते हैं पुर्तगालीज ग्रैंड प्रिक्स जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। इसी तरह से फिर बात करते हैं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, वो भी आपका लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। फिर मोनेको ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा जीती गई। फिर आई अजरबैजान जो कि सर्जियो पेरोज के द्वारा जीती गई। उसके बाद फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, वो भी आपकी मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा जीती गई। और अब जो हुई है वो दोबारा जो हुई है स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, ये भी जो है मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा जीती गई। सो इस बार जो लीड कर रहे हैं टोटल जो रेसेज होती है उनके अंदर 4 रेसेज को जीतते हुए मैक्स वेरस्टैपेन इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए हैं। फिर बात करते हैं माइकल शूमाकर की। सो माइकल शूमाकर जो है सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले, सबसे पहले 7 बार जीतने वाले जो है वो एक ये ग्रैंड प्रिक्स रेस के रेसर थे। और इनका जो है 6 साल पहले कोमा में चले गए थे सर में चोट लगने की वजह से, अब जो है वो वापस होश में आ चुके हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है एक प्लेयर्स के फॉर्म में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा मिनेश शाह जी को इसका सिलेक्ट किया गया है। इन्होंने वर्षा जोशी का स्थान लिया, जिनका जो कार्यकाल है वो 13 जून तक है। फिर इसके बाद इनका जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद मिनेश शाह यहाँ के जो चेयरमैन है वो बन जाएंगे। अब यदि अपने बात करते हैं NDDB की, सो NDDB जो है बेसिकली इसकी स्थापना वर्गीज कुरियन के द्वारा 1965 के अंदर गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर की गई थी। वर्गीज कुरियन जो है हमारे देश के अंदर श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो कि दूध क्रांति से जो कि दूध से रिलेटेड हैं। फिर बात करते हैं RS SODI की। सो RS SODI जो है पर्टिकुलर अमूल के अंदर जनरल मैनेजर बने हुए हैं और इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अंदर जो कमेटी होती है उसके मेंबर के रूप में इनको चुना गया है। फिर बात करते हैं सुरेश एन पटेल के बारे में। सो इनको अभी जो है CVC जो होती है उनका जो कार्यवाहक CVC के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जो अपने पास कह सकते हैं कि जो चांसलर कमिश्नर होते हैं वो सतर्कता आयुक्त इनको अपने कह सकते हैं। केंद्र यह सतर्कता आयुक्त जो कार्यवाहक है इनको भी नियुक्त किया गया है। और ये जो है पर्टिकुलर जो हमारे संजय कोठारी जी हैं उनका स्थान ले रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का जो आयोजन है वो किस देश के अंदर किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE कंट्री के अंदर बेसिकली इसका जो आयोजन है वो अभी हाल ही में किया जाएगा। ये जो आयोजन था वो भारत के अंदर होना था लेकिन BCCI के द्वारा भी ये घोषणा की गई है
कि बीसीसीआई के जो सचिव है जय शाह जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि जो T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप है उसको अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उसका आयोजन जो है वो UAE कंट्री के अंदर किया जाएगा। भारत के अंदर इसका आयोजन करना थोड़ा मुश्किल है ड्यू टू COVID-19, इसी वजह से ये एक गेम और जो है उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। COVID-19 के वजह से इंडिया के अंदर आयोजित होने वाले बहुत से गेमों का आयोजन था 2020 और 2021 के अंदर, सो उन सभी को धीरे धीरे अनदर कंट्रीज़ के अंदर जो वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फिर बात कर रहे हैं अपने बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो अपने एशियन चैम्पियनशिप होनी थी क्रिकेट की उसको भी रद्द कर दिया गया है। और जो COVID-19 की वजह से न्यूजीलैंड की अपने बात करते हैं तो अभी WTC का जो फाइनल खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में इंग्लैंड के अंदर, सो उसको जीता था न्यूजीलैंड। सो फर्स्ट टाइम जो इसका आयोजन किया गया था वो टेस्ट चैंपियनशिप का, उसकी जो विनर रही है वो न्यूजीलैंड कंट्री रही थी। फिर बात करते हैं इंडिया को हराया और 8 विकेट से इसके अंदर इसको हराया था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में जो हेमिस फेस्टिवल है उसका आयोजन किया गया था। सो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख, जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर इस उत्सव का आयोजन भी किया गया था। ये जो आयोजन है कहते हैं कि जो सेकंड नंबर के भगवान बुद्धा थे उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी ये जो डे है वहाँ पर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में, जैसे कि गोवा की बात करते हैं तो भारत के अंदर सबसे पहले रेबीज से मुक्त होने वाला राज्य का दर्जा मिला है वो गोवा राज्य को मिला। ओडिशा की बात करते हैं तो राजपरबा नाम का जो एक काफ़ी फेमस फेस्टिवल है वो ओडिशा के अंदर मनाया गया। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ का जो मुख्य त्यौहार है खीर भवानी मेला वो यहाँ पर आयोजन इसका किया जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तीरंदाजी का जो वर्ल्ड कप है पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन जो भी किया जा रहा है उसके अंदर स्टेज 3 के अंदर 3 गोल्ड मेडल जो है वो किस भारतीय के द्वारा भी जीते गए हैं। सो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, ये हैं दीपिका कुमारी और इनके द्वारा 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर 3 गोल्ड मेडल जो है वो जीते गए हैं। यदि इंडिविजुअल की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं और मिक्स्ड की बात करते हैं, सो इन तीनों कैटेगरी के अंदर इनके द्वारा जो ये गोल्ड मेडल जीता गया है। फिर बात करते हैं अभिषेक वर्मा की, इन्होंने भी तीरंदाजी के अंदर मेंस कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता और ये जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के पहले जो पर्सन है वो भी बन गए हैं। तनुदास की बात करते हैं तो मिक्स्ड अपने दीपिका कुमारी ने जो अपनी टीम के साथ मिलकर गोल्ड मेडल जीता था उसकी एक मेंबर थी। फिर बात करते हैं रानी रामपाल के बारे में, सो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कैप्टन चुनी गई है वो रानी रामपाल को चुनी गई है और इस बार इसको जो खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि इस बार जो खेल रत्न अवार्ड प्रोवाइड करवाए गए थे वो टोटल 5 पर्सन को प्रोवाइड करवाए गए थे, एक तो इनमें से रानी रामपाल है, बाकी के जो 4 बच्चे हैं उन सभी का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका फोटो विद नेम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जो करण जी के विद रिवीजन का कल का जो वीडियो पब्लिश होगा उसके अंदर किया जाएगा। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फिर बात करते हैं विदेशी कामगारों या फिर जो फॉरनर वर्कर्स होते हैं उन सभी के लिए वर्ल्ड का सबसे महंगा जो शहर है वो कौन सा है। सो इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है अशगाबाद, वो जो है दुनिया की सबसे महंगी सिटी जो है उसका दर्जा मिला है जो कि फॉरेन वर्कर्स के लिए मानी गई है। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई है मैर्सर नाम की एक NGO है उसके द्वारा बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है और इसी के अंदर बताया गया कि ये सबसे हाईएस्ट टॉप पे रही, सेकंड नंबर पे जो हांगकांग है वो, थर्ड पे जो है बैरूत और फोर्थ नंबर पे टोक्यो जो है इसके अंदर रही है। सो अपने डायरेक्टली यदि सिंपल भाषा में कहें तो जो भी पर्सन एक देश से दूसरे देश के अंदर जाकर वर्क करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महंगी सिटी मानी गई है वो अशगाबाद को मानी गई है जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अब अपने बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में, सो आप यहाँ पर ये वाला जो मैप है वो देख सकते हो और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं
वो तुर्कमेनिस्तान का पर्टिकुलर शो किया गया है। तुर्कमेनिस्तान के साथ वर्ल्ड के या विश्व के डिफरेंट कंट्री जैसे कि ईरान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ और कजाकिस्तान हुआ, इन देशों की जो बाउंड्री है वो पर्टिकुलर इसके साथ में टच होती है। और एक साइड यदि अपने बात करते हैं तो कैस्पियन सी जो है इसकी बाउंड्री भी इसके साथ में टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो करेंसी है वो बेसिकली तुर्कमेनिस्तान मन्नत के नाम से चलती है। और यहाँ के यदि अपने प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो गुरबैंगुली नाम से एक पर्सन है जिन की यहाँ के प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं। सो इनका नाम याद रखना इजी है। आप भारत के जो पूर्व क्रिकेटर थे गांगुली, उनके नाम पर आप याद कर सकते हो, गुरबैंगुली पर्टिकुलर उनका नाम है। फिर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, इसमें भारत का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश बना है वो कौन सा बना है। कहने का मीन्स ये है कि कौन सी कंट्री के द्वारा भारत सबसे ज़्यादा जो सामान है या फिर कोई भी चीज़ है उसको आयात कर रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा यूएसए कंट्री जो है इसके अंदर टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। और सेकंड नंबर पे है जो चाइना है, थर्ड नंबर पे यूएई और फोर्थ नंबर पे हांगकांग था। इससे पहले जो था यूएई सेकंड पोजीशन पे था और चाइना जो है वो थर्ड पोजीशन पे था, लेकिन अब ये चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर भारत के लिए एक दुख की बात यह है कि भारत जो सबसे ज़्यादा जिसका विरोध करता है उसी से सबसे ज़्यादा जो है वो आयात कर रहा है। और इससे रिवर्स भी हो रहा है कि यदि अपने निर्यात की बात करते हैं तो इंडिया का जो निर्यात है वो चाइना के लिए कम हो रहा है और आयात वहाँ से बढ़ रहा है। और अपन चाहते हैं कि ये यहाँ पर रिवर्स हो। और यहाँ पर देखने की बात यह है कि 51.6 बिलियन डॉलर्स का जो है यूएसडी डॉलर जो है उनकी वैल्यू जो है जिसके अंदर ये अपने बिजनेस वहाँ पर हुआ है। सो बाकी सब कंट्रीज़ का जो निर्यात है अपने यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन चाइना का ये जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सो इसको ध्यान में रखते हुए इसको कम करने की आवश्यकता है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैन गार्डन और काइजिन अकादमी का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद जो शहर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और अहमदाबाद को जो भारत की स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, भारत की सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सी है उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं। आप लोगों ने कल का जो वीडियो था या फिर कल से लास्ट का जो वीडियो था CGWR का, करंट जीके विद रिवीजन का, डेली देखते हो ना, उसी के अंदर अपनों ने इसकी बात भी की थी। सो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताने वाले हो कि भारत की सबसे पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर ओपन हुई है। और उसके हाँ अभी वाइस चांसलर जो है वो भी बने हैं, उसका नाम भी आप मुझे बताने वाले हैं। हिंट्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ये ऐसी पहली महिला वुमन थी जिन्होंने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल ओलंपिक के अंदर कोई मेडल जीता था। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा कहा गया है कि भारत की तरफ से जो स्वदेशी निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका जो उद्घाटन है या फिर उसका जो कमीशन है वो पर्टिकुलर फरवरी मंथ अपने जो फाइनेंशियल ईयर 22 है उसके अंदर इसको कमीशन कर दिया जाएगा। रविशंकर जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में आईटेट द्वार नाम से जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, जो कि पर्टिकुलर अपने आईटी जो वित्तीय संबंधित है, जो कि टैक्स से संबंधित है, उसके लिए लॉन्च किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन जो है वो हमारे देश के जो ये कृषि मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। CGWR का ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपने बात करते हैं, आप लोग यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 28 जून का था। सो अपने बात करते हैं, किस शहर ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार अभी जीता 2020 का। सो इंदौर और सूरत इन दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड जो है वो मिला है। और ये जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा की गई है। हरदीप सिंह पुरी जी कौन है बताइए, कमेंट्स में बताइएगा कि कौन है ये। फिर अपने बात करते हैं, मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पॉलर स्टार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। सो आरके सब्रवाल जी को किया गया। इनको क्यों किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा मंगोलिया कंट्री के अंदर पहली जो ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिश की गई है उनके द्वारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इन्हीं का रहा, इसी वजह से इनको मंगोलिया कंट्री का जो हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ ऑफ ऑलर स्टार जो है वो प्रोवाइड करवाया गया। फिर
फिर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज 11 जो है उसको अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया, जिसको नेक्स्ट जनरेशन की विंडो भी कहा गया है। और इस विंडो की खास बात यह है कि जो अपने एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं उनको भी ये पर्टिकुलर सपोर्ट करेगी, जो कि अमेजन प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जाएंगे। फिर बात करते हैं भारत का पहला राज्य जो कि रेबीज मुक्त हुआ, सो गोवा, ये भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। भारत के द्वारा भी हाल ही में सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण जो है निर्भया का किया गया, जो कि उड़ीसा से किया गया था। IFSC के पैनल के अध्यक्ष के रूप में वंदना अग्रवाल को भी नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो आंध्र प्रदेश के अंदर जो वहाँ के राज्यपाल हैं, कौन है कमेंट्स में बताइएगा। आप लोगों से आज मैं 4 से 5 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, इनमें से किसी का भी यदि आप आंसर मुझे देते हैं तो आपका नाम विद फोटो CGWR के नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का ई फिलिंग जो पोर्टल है वो भी हाल ही में रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च किया गया। रविशंकर प्रसाद जी हमारे लॉ मिनिस्टर, इसी के साथ साथ जो है हमारे IT इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी ये बने हुए हैं। और ख़ास बात ये है कि अभी 2 दिन पहले इनका जो ट्विटर अकाउंट था वो ट्विटर के द्वारा 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश के जो सबसे बड़े मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनका भी अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ पर आपको शो किए गए हैं, फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना फ़ोटो देखना चाहते हो यहाँ पर, तो आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट्स में बताइएगा। हाँ, यदि बताते हो तो आपका फ़ोटो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो कि देखिए मेरा जो फ़ोटो है वो यहाँ पर विद नेम पब्लिश हुआ था। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।